दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे जितने भी ब्लॉग हैं अभी तक मैंने जितने बनाए, आपको आई होप बहुत अच्छे लग रहे होंगे। यदि उसमें कोई आपको गलत लगता है, कोई कमी लगती है, आप मुझे कमेंट में बताएं, जिससे मैं उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूं, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी तरफ से इतना हो सका उतना मेहनत कर रहा हूँ और आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। फ़िलहाल आज हम राजस्थान ही नहीं, भारत में एक ऐसा जैन समाज का तीर्थ स्थल है जो कि श्री महावीर जी के नाम से जाना जाता है, वहाँ जा रहे हैं और बहुत मज़ा आने वाला है। हम यहाँ से, हमारी कार खड़ी है, कार से बाहर मम्मी पापा मैं और दीदी हम जाने वाले हैं। बहुत अच्छा और बहुत माना हुआ तीर्थ स्थल है और उसको देखने में और मंदिर की जो बनावट है और मंदिर की कलाकारी है वो बहुत ही अलग है, बहुत ही अच्छी है। बहुत दूर दूर से लोग वहाँ दर्शन करने आते हैं। फ़िलहाल हम अभी यहाँ से चलेंगे, यहाँ से लगभग 35-40 किलोमीटर है, तो यहाँ से हम बाई कार जाएंगे। अभी बाहर हमारी कार खड़ी है, उसके लिए कार के लिए हम अभी सभी अंदर रेडी हैं, अभी कार के लिए निकल रहे हैं, फिर मैं निकलने के बाद कंटिन्यू करता हूँ। ये हमारी कार है जो कि अभी पापा उसको बैग ले रहे हैं, बैग लेकर के हम अभी जाने वाले हैं। ठीक है, अभी मैं बैठ के कंटिन्यू करता हूँ इसमें। मम्मी भी आ गई है, दीदी भी आ गई है, अभी हम सब बैठते हैं और बैठने के बाद हम चलते हैं श्री महावीर जी, जो कि बहुत माना हुआ तीर्थ स्थल है, बहुत मज़ा आने वाला है। महावीर जी जहाँ हम आए थे अभी वहाँ पहुँच चुके हैं। अभी मैं महावीर जी में जो मेन मंदिर है वहाँ दर्शन करने जा रहा हूँ। फिलहाल मंदिर के अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है, फिर भी मैं आपको बाहर का जो सीन है अंदर का दिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अभी अंदर जाकर कंटिन्यू करता हूँ। हम अंदर जा रहे हैं महावीर जी के मंदिर के दर्शन करने। मैं आपको मंदिर का सीन दिखाता हूँ। महावीर जी का एंट्री गेट है और ये महावीर जी का मेन मंदिर है, आप देख सकते हैं, बहुत पुराना। और राजस्थान तो छोड़िए, आप भारत में बहुत ज़्यादा फेमस है। ये इसका मेन गेट है और मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, बिना मास्क के अंदर अलाउ नहीं है, होना भी चाहिए क्योंकि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है जैसा कि हम जानते हैं, इसलिए फ़िलहाल अंदर मंदिर के दर्शन करते हैं। वैसे अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, फिर भी मैं आपको जितना संभव हो सकता है मंदिर का आसपास की जगह या मंदिर का एरिया पूरा दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए, आप एक बार, मतलब आपको बताता हूँ कलाकारी कितनी शानदार तरीके से करते हैं। ऊपर भी बहुत अच्छी कलाकारी की हुई है, वो मैं आपको बताऊँगा। मंदिर का एंट्री गेट है, देख सकते हैं आप। अभी फ़िलहाल मैं मंदिर के अंदर जाता हूँ, वैसे गार्ड अलाउ नहीं करेंगे वीडियो, लेकिन फिर भी कोशिश। ये अंदर से मंदिर है, देखिए अभी इसका काम चल रहा है, बहुत पुराना मंदिर है तो उसको, मतलब जो भी आसपास दिक्कत होती है उनको सही करने का काम करते हैं। ऐसे मेन मूर्ति अंदर की तरफ है, वो शायद वहाँ अलाउ नहीं करेंगे गार्ड, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ। भगवान महावीर स्वामी की जय हो। मंदिर की देखिए कलाकारी, देखिए आप अंदर से मंदिर को जितना अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है, वो ये देख सकते हैं, जो पूरा सोने का दिख रहा है आपको,
गोल्डन गोल्डन पूरा सोने का वर्क है, रियल सोने का वर्क है। पूरे मंदिर में सोना चांदी है, रियल सोने का वर्क किया जाता है पूरे मंदिर में। जहाँ मैं मूर्ति है मैं आपको लेके चल रहा हूँ, वहाँ पर मैं मूर्ति में आपको दर्शन कराऊंगा। जैसे अंदर के अंदर फोटो खींचना अलाउ नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको दर्शन कराने की। ये पूरा सोने का वर्क है और अंदर देखो कितनी अच्छी कलाकारी की गई है। ये भगवान महावीर स्वामी की मेन मूर्ति है। ये मूर्ति जमीन से निकली है, इसके बारे में मैं आपको अभी डिटेल से बाहर निकल के बताऊंगा, क्योंकि फिलहाल ये कैमरा ज़्यादा देर तक अलाउ नहीं करेंगे। महावीर भगवान की जय हो। पूरा सोने का चांदी का वर्क बहुत अच्छे तरीके से इसको इस तरीके से बनाया गया है। बहुत पुराना मंदिर है। आपको बाहर की तरफ लेके चलता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब बाहर की तरफ जा कर के मैं कंटिन्यू करता हूँ इसको। इसके बारे में आपको मैं डिटेल से बताऊँगा मूर्ति का, किस तरीके से मूर्ति कहाँ से निकली है, कैसे क्या कितना उसका चमत्कार है, ये सब आपको मैं बताऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं इसको मैं मंदिर के दर्शन कर लेता हूँ भगवान के, और ज़्यादा देर कैमरा अलाउ नहीं करेंगे, इसलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ थोड़ी देर में। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको जो बताने वाला था, भगवान महावीर स्वामी की जो हमने मेन प्रतिमा देखी उसकी क्या कहानी है, वो बहुत चमत्कारी है। पहली बात तो उसकी कहानी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर पीछे मंदिर के पीछे की तरफ एक जगह है जहाँ पर एक टीला था। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता के शॉर्ट में आप कंप्लीट करूँगा। एक टीला था, उस टीले के ऊपर गाय आके अपने आप दूध देती थी। अब उसमें ग्वाले ने सोचा कि यार मेरे गाय का दूध कहाँ जाता है, तो उसने उस जगह को खोद करके देखा तो वहाँ पर भगवान की मूर्ति थी। उस मूर्ति को निकाला, मूर्ति को वहाँ रखा तो वो मूर्ति हिली नहीं और वो मंदिर में नहीं ला सकते थे उसको। वो ग्वाला उनकी पूजा करने लग गया वहाँ। फिर जो जैन समाज के लोग थे वो उनको पता चला कि हमारे जैन समाज की मूर्ति निकली है, तो वो वहाँ गए और उन्होंने जाकर के वहाँ पर उस मूर्ति को ले जाने का प्रयास किया, लेकिन वो मूर्ति खिसक नहीं रही थी, उस समय उठी भी नहीं। ग्वाले का भाग्य था और वो ग्वाले ने मतलब जैसे मतलब भगवान से प्रार्थना की तो वो मूर्ति उठी भी और वो मूर्ति गई भी और मंदिर में स्थापित भी हुई। तो कहने का मतलब यह है, आज भी जब महावीर स्वामी की रथ यात्रा निकलती है जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, जो कि महावीर जयंती के समय निकलती है, बहुत बड़ा महोत्सव होता है। उस महोत्सव में सबसे महत्वपूर्ण बात पता है क्या है आपको, मैं बताता हूँ आपको। सबसे महत्वपूर्ण बात उसमें यह है कि वो रथ यात्रा में जो मूर्ति रखी जाती है उस रथ में, आप मानोगे नहीं, थोड़ा ऐसा लगता है ये, लेकिन वास्तव में आज भी उस मूर्ति, उस रथ के ग्वाले की जो पीढ़ी के लोग हैं जो अभी भी हैं, उनमें से कोई भी व्यक्ति जो बूढ़ा है या वृद्ध है, घर में सबसे बड़ा है, वो उस रथ को खिसकाता है, हाथ लगाता है, तब जाके वो रथ खिसक सकता है, नहीं तो वो रथ नहीं खिसक सकता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर बैलों से बांध कर रथ खींचा जाता है तभी रथ खिसक सकता है। अगर और किसी नया रथ बुलाने की कोशिश करेंगे तो नहीं खिसकेगा। अभी थोड़े दिन पहले, साल दो साल पहले ऐसा प्रयास किया गया था, तो नया रथ लाया गया जयपुर से और उसमें मूर्ति रख के उसको खिसकाया गया, लेकिन ये दुर्भाग्य रहा वो रथ टूट गया और मूर्ति उसमें नहीं चल पाई। अब आप देख सकते हैं कि एक बैल के लगे रथ में, सिंपल से रथ में वो मूर्ति चल लेती है, लेकिन नए रथ में मूर्ति खिसकती नहीं है। यही चमत्कार है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ मीणा और गुजर दो समाज का बहुत ज़्यादा बाहुल्य क्षेत्र है और वो समाज के लोग महावीर स्वामी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनकी बहुत मान्यताएँ हैं। वो अपना जो गाय के दूध से घी बनता है, उस घी का जो पहला मतलब घी है, वो भगवान महावीर स्वामी की ज्योत, अखंड ज्योत के रूप में जलाया जाता है और उसे रखा जाता है।
ये अपने आप में भगवान की एक महिमा है, भगवान का चमत्कार भी कह सकते हैं। तो ये जैन समाज के लिए, आसपास के मीणा गुर्जर समाज के लिए और पूरे गांव के लिए, महावीर जी के आसपास में, ये करौली डिस्ट्रिक्ट में आता है, राजस्थान के करौली डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हम इसे कह सकते हैं। मंदिर की बहुत सारी कलाकारी आपने देखी, उनमें से एक कलाकारी है, देखो कितना सुंदर वृक्ष बनाया गया है, इसमें बहुत सारी शिक्षाएं दी गई है, बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। इस मैं आपको बताता हूँ, अभी बाहर की तरफ गेट से ले जाके बताता हूँ आपको, बाहर भी बहुत अच्छा डिज़ाइन किया गया है। आपको मंदिर के जो चारों तरफ प्रदक्षिणा लगाते हैं या परिक्रमा लगाते हैं, उसमें कलाकारी जो की गई है उसको बताता हूँ। ये देखिए इस तरीके से, मतलब पूरा भगवान का जो भी अभिषेक होता है, भगवान को कैसे क्या, मतलब शास्त्रों में किस हिसाब से भगवान को स्वर्ग में रखे जा, मतलब स्वर्ग में ले जा करके इंद्र वहाँ अभिषेक करता है, बहुत सारी बातें हैं, उनका सबको चित्रकार एक तरह बताया गया है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जिस हिसाब से कलाकारी की गई है, उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ये मंदिर बहुत पुराना है, और जिस हिसाब से इसको बनाया गया, अभी तो खैर इस मंदिर में थोड़ा जैसे इस जो पत्थर है इसको साफ किया गया है, और जैसे आप देखिए आप कितने अच्छे तरीके से इसे डेकोरेट किया गया है, बनाया गया है। यही देखना एक बहुत, मतलब एक पुरातत्व विभाग की श्रेणी में आ जाता है ये कह सकते हैं हम। बीच में कोरोना काल की वजह से लोग आ नहीं पाए थे इस मंदिर में, अभी फिलहाल लोगों का थोड़ा कोरोना का कम हुआ है माहौल, तो लोग आना शुरू करें, फिर भी इसमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पूरा ध्यान रखा गया है। अभी मैं मंदिर से बाहर आ गया हूँ, इसलिए मैंने थोड़ी देर मास्क उतार दिया है, क्योंकि फ़िलहाल बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप देख सकते हैं मैं पूरा गीला हो चुका हूँ। अभी मैं आपको ध्यान केंद्र ले जाने वाला हूँ, जो कि एक मंदिर में एक नीचे जगह है, और ध्यान केंद्र में जितने भी रत्न होते हैं, जितने भी महंगी पत्थर होता है, उन सब की मूर्तियाँ हैं, और वो बहुत देखने वाली चीज़ है। वैसे उसमें कैमरा अलाउ नहीं करते, क्योंकि वो स्वाभाविक है, रत्न मूर्तियाँ होती है, इस चक्कर से कैमरा अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिखाऊँ। और वो रत्नों की मूर्तियाँ बहुत ही ज़्यादा फेमस, आप कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, और बहुत ही सुंदर, दिखने में बहुत सुंदर लगती हैं। अगर मैं वीडियो नहीं दिखा पाया आपको, तो मैं फ़ोटो ज़रूर आपको खींच कर इसमें डालूंगा ब्लॉग में, और आपको आई होप बहुत अच्छा लगेगा। अभी मैं फ़िलहाल वहाँ जाता हूँ, और जाने के बाद अगर होता है तो मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ। ध्यान केंद्र है, यहाँ पर बहुत शांति रहती है। अभी ईद में सब में मूर्तियाँ रखी हुई है, लेकिन अभी ये थोड़ी देर बाद खुलेंगे, अभी खुलते नहीं हैं, टाइम पीरियड होता है इनका, उस टाइम में खुलेंगे। आप देख सकते हैं ये मंदिर ऐसे, ये आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये मंदिर ज़मीन के अंदर निकला है, पूरा मंदिर ज़मीन के अंदर निकला, आप देख सकते हैं किस तरीके से बना हुआ है, इसके दरवाजे छोटी छोटी सी जगह हैं ऐसा, अब हम खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मंदिर पूरा ही खुदाई में निकला है। अभी खुलेंगे थोड़ी देर में, तब मैं देखता हूँ, अगर हुआ तो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, नहीं तो फिर आपको मैं फ़ोटो ही दिखाऊंगा। फिलहाल आपको ये मंदिर की जो जगह है वो दिखा देता हूँ, किस तरीके से कितनी छोटी छोटी स्टाइल में बने सकते हैं।
प्राचीन समय में मंदिर होते थे वैसा बना हुआ है महावीर। अभी खुलेंगे थोड़ी देर में। हमने बहुत सारी पुरातात्विक चीज़ें देखी हैं, बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल देखे हैं, तो वहाँ पर इसी तरीके से गुंबद टाइप में बने होते हैं, तो कोई कहे चाहे नहीं के, लेकिन हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मंदिर वाकई में खुदाई में ही निकला है जिस तरीके से ये बना हुआ है। क्योंकि ये बन तो सकता नहीं, बस इसको हाँ इसके पत्थर को साफ़ किया गया है ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखे। देखिए आप इतना पुराना टाइप में बना हुआ है। इन सब बॉक्स में वो मूर्तियाँ रखी है, बिल्कुल एक टाइम पीरियड के लिए खोलते हैं, मैं बताऊँगा आपको अभी। खोलते हैं, शेर रखा हुआ है, बहुत शानदार लगता है ये उपासक के लिए। ऐसा बना हुआ है, पीतल टाइप में बना हुआ है। शेर इसलिए रखा गया है क्योंकि महावीर भगवान जो इसे तीर्थन करे जैन समाज के, जैन धर्म के, सॉरी, तो उसमें क्या महावीर स्वामी का जो चिन्ह है वो शेर है, इसलिए इसको ऐसे बना के किसी ने रखा है। और यहाँ पर बहुत सारी पुरातात्विक चीज़ें जैसे पुरानी फ़ोटो है महाराज जी की, उनको रखा गया है सजा के ताकि लोग आए और इनको देखें और जाने। शांति सागर जी महाराज जो कि जैन समाज के, जैन धर्म के बहुत बड़े महाराज के रूप में माने जाते हैं, तो उनकी पूरी जीवनी टाइप में पूरा पुराने फ़ोटो को सबको एक ऐसे इकट्ठा करके एक जगह संग्रहालय टाइप में रखा गया है, जो कि बहुत ही काबिले तारीफ है। इससे लोगों को पता चलता है उनके बारे में, वो देख सकते हैं। इन पर हाँ आपको एक बात बता दूँ आपकी नॉलेज के लिए, डाक पोस्ट विभाग ने, जो डाक विभाग होता है, उन्होंने इन पर डाक टिकट भी जारी किया है, जो कि जैन समाज के लिए बहुत फख्र की बात है। उसका जो सर्टिफिकेट है आप ये देख सकते हो, इसमें लिख रखा है पूरा उनकी जो दीक्षा की शताब्दी महोत्सव था, जो कि 20/3/2019 में था, उस जगह पर यह डाक टिकट जारी किया गया था, जो कि बहुत फख्र की बात है। इसलिए मैंने आज आपको महावीर जी का विजिट करवाया, महावीर जी आपको मैंने घुमाया। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग भगवान महावीर स्वामी के आपने दर्शन करे और ये आपको ब्लॉग बहुत अच्छा, बहुत शानदार लगा होगा। कुछ चीज़ मैं आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि उसमें थोड़ा मोबाइल या कैमरे का इशू था, लेकिन फिर भी मैंने बहुत कोशिश करके आपको अंदर तक का वीडियो पूरा दिखाया। आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ यार सपोर्ट करो, जिससे मैं आगे बढ़ूँ और अच्छा मेहनत करके और ब्लॉग बनाऊँ। और मेरी कोई कमी आपको दिखती है तो उस ब्लॉग के आप में कमेंट में लिख के बताएं ताकि मैं उस कमी को सुधारूँ। आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, इसलिए आप बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करें और मुझे विश्वास आप सपोर्ट करेंगे और मैं आपके माध्यम से आगे भी बढ़ूँगा। तो आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार मेरे साथ ऐसा ही बना रहे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ओके, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, जय जिनेंद्र सभी को मेरी तरफ से, और सभी अपना ख्याल रखिए और कोरोना से अभी बच के रहिए क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मैं मंदिर से बाहर हूँ इसलिए मैंने मास्क हटा रखा है, अभी मैं भी मास्क लगाने वाला हूँ। ठीक है, ओके, बाय दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में।